हेलो हाँ ठीक देखो ध्यान से सुनो, हम लोग बात कर रहे क्या स्पोर फॉर्मेशन, जिसको बोलते हैं क्या बीजाणु जनन बोलते हैं। स्पोर फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? बीजाणु जनन बोलते हैं। अब इस बीजाणु जनन में सबसे पहले ये जानते हैं हम लोग कि बीजाणु क्या होता है। ठीक है, बीजाणु आपका एक प्रकार का क्या है? देखो बीजाणु को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पोर बोलते हैं। और ये स्पोर क्या होता है? स्पोर इज अ सिंगल सेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। एक कोशिकीय क्या है? जनन संरचना है। क्या है? जनन संरचना है, जो क्या करता है? प्लांट पार्ट से डिटैच होकर, अलग होकर एक नया प्लांट का क्या करता है? निर्माण करता है। इसी को बोलते हैं स्पोर बोलते हैं। ठीक है, स्पोर इज व्हाट? स्पोर इज अ सिंगल सेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर व्हिच डिटैच फ्रॉम पेरेंट्स टू गिव राइज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अ न्यू इंडिविजुअल्स। इसी को क्या बोलते हैं? स्पोर बोलते हैं। अब ये स्पोर जो होता है दो प्रकार का होता है। स्पोर कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, यानी कि बीजाणु दो प्रकार के होते हैं। कौन? बीजाणु कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक आपका क्या होता है? नॉन मोटाइल स्पोर होता है। क्या होता है? नॉन मोटाइल स्पोर। और दूसरा क्या होता है? मोटाइल स्पोर होता है। क्या होता है? मोटाइल स्पोर। मोटाइल स्पोर को हम लोग बोलते हैं चल बीजाणु। क्या बोलते हैं? चल बीजाणु। मोटाइल स्पोर को क्या बोलते हैं लोग? चल बीजाणु बोलते हैं। और नॉन मोटाइल स्पोर को क्या बोलते हैं? अचल बीजाणु बोलते हैं। अचल बीजाणु, अचल बीजाणु। ठीक है, और इसके लिए एक आपका नॉन मोटाइल स्पोर के लिए एक शब्द आता है, जिसको क्या बोलते हैं? एप्लाइनो स्पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एप्लाइनो स्पोर। एप्लाइनो स्पोर क्या बोलेंगे उसको लोग? एप्लाइनो स्पोर बोलते हैं। ये आसानी से स्विम कर सकता है, आसानी से मूव कर सकता है कि नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। कैन नॉट स्विम, मूव नहीं कर सकता, इसीलिए तो क्या बोलते हैं इसको? अचल बीजाणु बोलते हैं। यानी कि नॉन मोटाइल स्पोर जिसमें हम क्या बोलते हैं? एप्लाइनो स्पोर बोलते हैं, या मूव नहीं कर सकता है। ठीक है, दूसरा आपका क्या है? आपका मोटाइल स्पोर है, चल बीजाणु, मतलब कि चल सकता है, मूव कर सकता है, स्विम कर सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जू स्पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चल बीजाणु को हम लोग क्या बोलते हैं? जू स्पोर बोलते हैं। ये आसानी से क्या कर सकता है? मूव कर सकता है, आसानी से क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इसमें देखे, इस फिगर में देखे, राइजोपस में हम लोग बात कर रहे हैं बीजाणु जनन। किसमें? राइजोपस में बात कर रहे हैं। ठीक है, एक आपका ब्रेड मार्ग होता है। क्या होता है? ब्रेड मार्ग। क्या है? ब्रेड मार्ग। इसको क्या बोलते हैं? राइजोपस क्या बोलते हैं? ब्रेड मार्ग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? ब्रेड मार्ग। इस ब्रेड मार्ग में क्या होता है कि देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या होता है? ए आपका जो रचना जो है, ये धागे नुमा रचना निकलता है, जो नीचे की तरफ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइफा बोलते हैं। यानी कि इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस इन राइजोपस, यानी कि इस राइजोपस में जो यह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, धागे नुमा रचना जो है, इस धागे नुमा रचना को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइफा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइफा बोलते हैं। देखो ये हाइफा नीचे की तरफ भी आ रहा है, ऊपर की तरफ भी जा रहा है, तो ऊपर की तरफ जो जाता है उसको बोलते हैं एरियल हाइफा बोलते हैं। क्या बोलेंगे जी? एरियल हाइफा बोलते हैं। हवा की तरफ जा रहा है उसको क्या बोलेंगे? एरियल हाइफा बोलते हैं। और इस एरियल हाइफा का जो नली जैसी रचना है, इसको बोलते हैं स्पोरेंजियो फोर्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको? स्पोरेंजियो फोर्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे? स्पोरेंजियो फोर्स। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एरियल हाइफा इज कॉल्ड स्पोरेंजियो फोर्स। एरियल हाइफा को क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियो फोर्स बोलते हैं। ठीक है, आप देखिए ये आपका जो स्पोरेंजियो फोर्स जो है, ये ऊपर जाकर क्या रहा है? एक ब्लैक ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर में क्या रहा है? बंद हो जा रहा है। एक आपसे गोलाकार रचना के रूप में क्या होता है? पाया जाता है। इसका जो टर्मिनल एक होता है लास्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस्पोरेंजियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्पोरेंजियम। क्या बोलेंगे? एस्पोरेंजियम, जिसको बीजाणु धानी बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? बीजाणु धानी बोलते हैं। जिस बीजाणु धानी के अंदर क्या पाया जाता है? बीजाणु पाया जाता है, स्पोर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इसी बीजाणु धानी के अंदर क्या पाया जाता है? बीजाणु पाया जाता है, स्पोर पाया जाता है। ठीक है, अब जो यह स्पोर जो है, यह स्पोर सॉरी एस्पोरेंजियम जो है, यह एस्पोरेंजियम क्या होता है? इसका जो वाल है, इसका जो क्या होगा? वाल होगा, यानी भित्ति जो होगा वह क्या होगा? फट जाएगा।
एक्सपोनेंशियल का भित्ति क्या होगा, फट जाएगा। और जब एक्सपोनेंशियल का भित्ति फट जाता है तो यहाँ से बहुत सारा क्या होता है, स्पोर बाहर निकलता है, बहुत सारा बीजाणु क्या होता है बाहर निकलता है, जो कहाँ पर जाता है, कोई भी मॉइस्ट स्लाइस ऑफ ब्रेड यानी कि मॉइस्ट जगह पर जहां पर नमी की मात्रा हो, ठीक है, ब्रेड ये सब पर जब जाकर क्या करेगा, फॉल करता है, ठीक ना, या कहीं भी किसी भी पार्ट जहां पर क्या नमी की मात्रा हो वहां पर जाकर वो फॉल करता है और जर्मिनेट करता है और जमता है और क्या करता है उससे, मतलब कि नया संख्या में न्यू इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन करता है। ये जो रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है स्पोर फॉर्मेशन जनरली आपका किसमें पाया जाता है, फंजाई में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, फंजाई में पाया जाता है, ठीक है। इतना तक हम लोग काम कर चुके थे।